तेज साउंड हमारे एयर ड्रम को बर्स्ट कर सकता है। क्या होगा अगर हमें पसीना आना ही बंद हो जाए? और क्या होगा अगर हमारी बॉडी की सारी बोन्स एक साथ टूट जाए? इसी तरह के काफी सारे अमेजिंग और लेस नोन फैक्ट्स शेयर करेंगे हम आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रिंग मी फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए बताते हैं आपको आपकी बॉडी के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको याद है लास्ट टाइम आपने नेल्स कब कट किए थे? ऑफ कोर्स याद ही होगा। कुछ लोगों को नेल्स बड़े रखने का शौक होता है, स्पेशली कुछ लड़कियां नेल्स बढ़ाना बहुत पसंद करती हैं। बड़े नेल्स पर अलग अलग तरह की आर्ट तो आपने देखी ही होगी, पर क्या आपने कभी सोचा कि क्या होगा अगर हम अपने नेल्स को काटना ही बंद कर दें? वैसे हमारे नेल्स की ग्रोथ काफी स्लो होती है, अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं 3 महीने में। पर क्या होगा अगर हम सालों साल तक नेल्स को काटे ही ना? हमारे नेल्स के बढ़ने के साथ ही बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शंस भी बढ़ने लग जाते हैं। बाकी की प्रॉब्लम की बात ना ही करें तो बेहतर है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि बड़े नेल्स से और कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। श्रीधर चिलल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। श्रीधर ने 66 साल तक अपने नाखून नहीं काटे। इन्होंने अपने नाखून 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में काटे। इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर थी। वैसे ये नाखून बड़े करने का ये ऑब्सेशन बहुत महंगा पड़ता है। इन बड़े नेल्स का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी फिंगर्स डिसफिगर हो गई, यानी उनकी फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई और लेफ्ट हैंड ने काम करना लगभग बंद कर दिया। यही नहीं, नाखून के वेट ने लेफ्ट हैंड की नर्व्स को काफी सीरियस डैमेज पहुंचाया, जिस वजह से उनके लेफ्ट ईयर की हेयरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई। तो नेल्स बड़े करने का शौक आपको काफी भारी पड़ सकता है। चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 6। 2 महीने बेड पर रहने के बदले नासा आपको 15 लाख रुपए दे रहा है। तो बचपन में सुबह स्कूल जाने के वक्त हम सभी ने कभी ना कभी सोचा ही होगा, काश हमें सुबह सुबह उठना ना पड़ता, अच्छा होता कि हम इसी बेड पर हमेशा सोते ही रहते, कोई हमें उठाने नहीं आता, यहीं पर खाना खाते और वापस यहीं पर सो जाते। ये तो हो गई बचपन की बात, काफी सारे लोग अब भी यही सोचते होंगे। खैर, आप नासा से 15 लाख रुपए जीतने के सपने देखना शुरू करो, उससे पहले आपको बता देते हैं कि ह्यूमन हाइबरनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। लंबे टाइम तक बेड पर ही रहने पर हार्ट रेट काफी तेज हो जाता है, लाइक 150 बीट्स पर मिनट। ब्लड फ्लो रुक जाता है, स्पेशली हिप्स, टेल बोन और शोल्डर्स का। 2 महीने बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से लूज और यूजलेस हो जाती है, क्योंकि बेड पर हम 10-15% स्ट्रेंथ हर वीक लूज कर देते हैं। इसके अलावा मेंटली एक्टिव नहीं रह पाते, मसल्स का लॉस हो जाता है और फैट गेन हो जाता है, जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो 2 महीने बेड पर रहकर 15 लाख कमाने से बेहतर है घर से बाहर जाइए और 2 साल में 15 लाख कमा लीजिए। फैक्ट नंबर 5, म्यूजिक हम सभी को पसंद होता है। कुछ लोग लंबे टाइम तक एयरफोन लगाकर रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग स्पीकर्स में लाउड साउंड सुनते हैं। दोनों ही कंडीशंस में आपने अपने पेरेंट्स से सुना ही होगा कि इतना म्यूजिक मत सुना करो, बहरे हो जाओगे। आपके पेरेंट्स की ये बात काफी हद तक सच भी है। एयर ड्रम एक थिन टिश्यू होता है जो एयर कैनल को मिडल एयर से अलग करता है। लंबे टाइम तक लगातार एयरफोन्स में लाउड म्यूजिक सुनना आपकी हियरिंग एबिलिटी को खत्म कर सकता है और आपके एयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अचानक से आने वाला तेज साउंड भी एयर ड्रम को डैमेज कर देता है। वैसे म्यूजिक के अलावा कुछ और कॉमन आदतें हैं जो एयर ड्रम को नुकसान पहुंचाती हैं, वो है कान में ऑब्जेक्ट डालना उसकी सो कॉल्ड सफाई करने के लिए। पेंसिल, कीज, हेयर पिन, जो भी मिलता है लोग उससे कान साफ करना शुरू कर देते हैं, और सभी लोगों को एयर वैक्स निकालना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, पर ये आपके एयर ड्रम को सीरियसली डैमेज कर सकता है। अपने एयर ड्रम को ठीक रखिए और इन आदतों से दूर रहिए। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब मंच पर स्वागत करता है। शरीर से जुड़े ये 7 फैक्ट आपके होश उड़ा देंगे।
दोस्तों इधर उधर की ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं आज सीधे वीडियो की तरफ। वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। फैक्ट नंबर 4, इट्स टू हॉट आउटसाइड। कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। अंडर आर्म्स में स्वेटिंग, टी शर्ट और शर्ट पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां हमें गर्मी से ज्यादा परेशान करती हैं। कुछ लोग रिलैक्स फील करते हैं कि उन्हें पसीना ही नहीं आता, पर पसीना ना आना इज नॉट अ हेल्दी साइन फॉर यू। ये सिंपल सी कंडीशन आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, इवन हम कह सकते हैं कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। पसीना ना आने की इस कंडीशन को नाम दिया जाता है एनहाइड्रोसिस का। स्वेटिंग हमारी बॉडी को कूल रखने की एक नेचुरल प्रोसेस है। एनहाइड्रोसिस की वजह से स्किन रिलेटेड काफी सारे इश्यूज आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। पिंपल्स का कॉन्स्टेंटली आना, स्किन का स्पॉट्स से बढ़ जाना, रेडनेस जैसी प्रॉब्लम्स की वजह पसीना ना आना हो सकती है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर तो हाई सभी का होता है, तो बॉडी की हीट पसीने के रूप में बाहर ना निकलना आपकी बॉडी को डिजी, आपको डाउन और वीक बना देता है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बुरा साइन होता है। फैक्ट नंबर 3, इतनी गर्मी में गर्मी की बातें बहुत हो गई, अब कुछ ठंडी ठंडी बातें कर लेते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोल्ड ड्रिंक पियो या फिर आइसक्रीम खाई हो और आपको लगा हो कि सारी आइसक्रीम आपके दिमाग में चली गई है, आपका ब्रेन जरूरत से ज्यादा चिल्ड हो जाता है। इस कंडीशन को आपने जरूर फेस किया होगा। ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है ब्रेन फ्रीज। ब्रेन फ्रीज का मेडिकल टर्म है जो आपकी स्क्रीन पर अभी लिखा हुआ है, आप प्रोनाउंस खुद ही कर सकते हैं। वैसे ब्रेन फ्रीज कोई हार्मफुल कंडीशन नहीं होती, बस कभी कभार हेडेक जैसे इश्यूज को ट्रिगर कर देती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, योनिंग एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। कुछ एनिमल्स और सारे इंसान ये एक्टिविटी अपने डेली लाइफ में करते ही है। यौन को हिंदी में जमाई लेना कहते हैं। कॉमनली इसको बोर होने का साइन माना जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि दूसरे इंसान को जब हम जमाई लेते हुए देखते हैं तो हम भी जमाई लेने लग जाते हैं, इवन इफ हम बोरिंग या स्लीपी फील नहीं भी कर रहे होते। इसके काफी सारे फायदे भी होते हैं, जैसे ब्रेन टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी को एक्टिव करना, ब्लड फ्लो में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना और लंग टिश्यू को ल्यूब्रिकेटेड रखना। यानी एक 3 से 5 सेकंड की ऑटोमेटिक होने वाली एक्टिविटी आपकी लाइफ और आपकी बॉडी को इतना फायदा पहुंचा सकती है। फैक्ट नंबर 1, आज आपको ज्यादा ही लेट हो गए, बॉस के गुस्से से बचने के लिए आप तेज ड्राइव कर रहे हैं और फॉर्चुनेटली आप जिंदा बच जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सरे बोल रहा है कि आपकी सारी बोन्स टूट चुकी हैं। ऐसे में क्या होगा, हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर सिंपली उस बोन को अलाइन करके प्लास्टर कर देते हैं। सीरियस इंजरी होती है तो इसमें रॉड या फिर स्क्रू का यूज किया जाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि सारी बोन्स एक साथ टूट जाएं, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाथ पैर की बोन्स को अलाइन करना इजी होता है, रेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी सेंसिटिव बोन्स भी होती हैं, लाइक जॉ कॉलर बोन, इसे रिस्की बना देती हैं। वैसे सारी बोन्स का एक साथ टूट जाना बहुत रेयर होता है, लेकिन 2011 में एक 22 साल का लड़का बिल्डिंग के 9th फ्लोर से गिर गया। किस्मत वाली बात थी कि वो सर्वाइव कर गया, लेकिन उसकी बॉडी की सारी बोन्स टूट गई। 3 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। यानी सारी बोन्स के टूटने की रिकवरी होना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि काफी सारी बोन्स ऐसी हैं जिनका डैमेज होना आपको पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज बना सकता है। दोस्तों ब्रिंग मी फैक्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देख ली होगी और वीडियो आपको काफी रोचक लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।